आम तौर पर जेकर किसी तो दुनिया के सब तो छोटे देश बारे पूछा जाए तो उसका जवाब वैटिकन सिटी होगा और सही जवाब भी है। पर दूसरे पास दुनिया का एक होर सब तो छोटा देश है जिस दे विच सिर्फ 27 लोग रहते हैं। हालांकि इस देश को अधिकारित तौर पर मानता नहीं दी गई। इसका नाम है सीलैंड जिसनों प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड भी कहा जाता है। इसका साइज अते इतों की आबादी जान के तुसी भी हैरान हो जाओगे। यह देश इंग्लैंड तो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसनों दुनिया का सब तो छोटा देश भी कहा जाता है जिथे सिर्फ 27 लोग रहते हैं। यह देश एक किले से वसया होया जो कि हुण खंडर हो चुके है। यह किला दूजे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सी पर बाद दे विच उन्हां इसनों खाली कर दिता। उदों तो सीलैंड से वक्-वक् लोगों का कब्जा रहा है। इस देश नूं माइक्रोनेशन भी कहा जाता है। 9 अक्टूबर 2012 नूं राय बेट्स नां दे व्यक्ति ने अपने आप नूं सीलैंड का प्रिंस ऐलानिया सी। बेट्स की मौत तो बाद इस उत्ते उसके ही पुत्र माइकल द्वारा शासन भी किया गया। प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड नूं दुनिया के 200 देशों की सूची दे विच भी शामिल किया जाता है। इस छोटे जिहे देश का साइज 550 वर्ग मीटर है। इंग्लैंड के उत्तरी सागर दे विच वसया होया है। इस देश दे विच रहण वाले 27 लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं। इस देश आने वाले पासपोर्ट की भी लोड़ पैंदी है। सीलैंड का रकबा बहुत घट होने कारण इत्थे रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। सब तो वड्डी गल यह है कि अंतरराष्ट्रीय मानता ना मिलने के बावजूद इत्थे अपनी फौज अपना झंडा ते अपनी करंसी है। दरअसल इंग्लैंड खुद नूं जर्मनी दे हमले तो बचाउण लई इसकी वरतों करता है। इस नूं उंज तां दूसरी विश्व जंग दे दौरान बनाया गया सी अते बाद दे विच इस नूं देश दी मानता भी दे दित्ती गई। कहा जांदा है कि जदों लोकां नूं सोशल मीडिया राहीं इस देश दे बारे पता लगा तां लोक इत्थे रहण वाले लोकां दी मदद करन दे लई भी अगे आए। उन्हां बहुत सारा दान भी दित्ता जिस कारण इत्थों दे लोकां नूं आर्थिक मदद भी मिली। इस तो बाद इत्थों दे लोकां दी रोजी रोटी भी चलन लग पई। द आस्ट्रेलियन अते रेडबुल दे साइमन सेलर्स सीलैंड नूं दुनिया दे सब तो छोटे देश दे वजों दर्शाउंदे ने। पर सीलैंड नूं अधिकारित तौर ते किसी भी स्थापित प्रभु सत्ता राज दे द्वारा मानता नहीं दित्ती गई। फिर भी सीलैंड सरकार दा दावा है कि इस नूं जर्मनी द्वारा असल विच मानता दित्ती गई है क्योंकि बाद वाले ने एक बार सीलैंड दे विच एक डिप्लोमैट भेजिया सी। पर 1967 दे विच सीलैंड ते पैडी राय बेट्स दे वजो जाने जांदे एक व्यक्ति ने भी कब्जा कर लिया जिसने इसनों प्रभु सत्ता संपन्न देश घोषित किया। उदों तो हुण तक सीलैंड 54 सालों तो यूके सरकार दे विरोध दे विच काम कर रहा है। इसका अपना संविधान, एक अपना राष्ट्रीय झंडा अते इत्थों तक एक राष्ट्रीय गीत भी है।